हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल कार दुनिया। दोस्तों आ गई है टाटा की हैरियर नए लुक के साथ, नए फीचर्स के साथ और कह लीजिए धमाल कमाल की गाड़ी। दोस्तों इस समय टाटा ने 2023 हैरियर उतारी है। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं क्या खास है टाटा हैरियर में। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है टाटा हैरियर का टॉप मोस्ट वेरियंट फियरलेस प्लस डार्क एडिशन। आजकल वैसे भी डार्क का क्रेज़ चला हुआ है, ज़्यादातर समय देखिए कंपनीज जो हैं वो अपनी गाड़ियों में डार्क एडिशन, नाइट एडिशन, अर्बन नाइट एडिशन करके कई सारी गाड़ियां उतार रही हैं। तो ये है टाटा की हैरियर डार्क एडिशन टॉप मोस्ट वेरिएंट, जिसमें मिलते हैं टॉप क्लास फीचर्स। ये गाड़ी जो है पेट्रोल पे नहीं उतारा है दोस्तों, पहले की तरह हैरियर जो है अभी भी डीजल इंजन पे ही आ रही है। और हालांकि इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम 170 पीएस का पावर और 350 एनएम के टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिलता है। बाकी फीचर्स वाइज बहुत सारे चेंजेस हैं। इवन अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो थोड़े बहुत माइनर डायमेंशन चेंजेस हैं, मैंने स्क्रीन पे लगा दी हैं कि प्लस माइनस करके क्या डायमेंशंस में 2023 हैरियर में चेंज आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट थोड़े से हम फ्रंट लुक की। देखिए टाटा की हैरियर एक बोल्डर हैवी लुक के साथ देखिए यहाँ पे गाड़ी आपको दिख रही है। खास बात यह है कि यहाँ पे कनेक्टिंग जो है DRL लाइट्स इस गाड़ी को खूबसूरत बना रहे हैं। सीक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स भी इस समय आप चेक कर सकते हैं। ये जो है डार्क एडिशन है तो इस वजह से यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स का कोई भी यूज़ देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको कंप्लीट डार्क जो है यानी ब्लैक ग्लॉसी फिनिश की ग्रिल आप इसमें देख सकते हैं। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। अडास भी दोस्तों ड्राइवर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दोस्तों इसमें दिया है, जिसका देखिए रडार का प्लेसमेंट यहाँ पे है और उसका जो कैमरा दिया है अडास के लिए वो आप स्क्रीन पे वहाँ पे फ्रंट की विंग सील पे चेक कर सकते हैं। 11 अडास के फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में इसको उतारा है। अगर हम प्राइसिंग्स की बात कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर गाड़ी मैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे चेक करा रहा हूँ, जिसका प्राइस है 25,04,000 रुपीज़ और इसे जब आप ऑटोमेटिक पे परचेज करेंगे तो उसका प्राइस रहेगा 26,44,000 रुपीज़। चलिए बाकी और फ्रंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें 360 डिग्री कैमरा भी दिया हुआ है, जिसके फ्रंट का कैमरे का लेंस आप यहां पे चेक कर सकते हैं। हेडलैम्प्स आपको इसमें LED मिल जाते हैं, फॉग लैम्प्स इसमें LEDs दिए हुए हैं, जिसमें कॉर्नरिंग फीचर भी दे रखा है। और इस समय देखिए टाटा की जो नेक्सॉन आई है, हैरियर या फिर इवन न्यू सफारी चेक करेंगे तो सब में आपको हेडलैम्प्स काफ़ी छोटे दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टर्स और साथ में LEDs होने की वजह से लाइट आपको इसमें प्रॉपर मिलती है। तो यहाँ पर फ्रंट से मैंने आपको इस गाड़ी को चेक करा दिया है। चलिए साइड की बात करते हैं और साइड से आपको दिखाते हैं हैरियर को, जिसमें बड़ा नहीं दोस्तों काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें लगा दिए गए हैं काफ़ी बड़े साइज़ के एलॉय व्हील्स। ये देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के एलॉय व्हील्स आप इसमें चेक कर सकते हैं, जिनके साइज़ की बात करते हैं तो 19 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको टायर सेक्शंस चेक करा देता हूँ। 245/55 आर 19 इंच के ये व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि कह लीजिए अभी तक हैरियर में नहीं आते थे। हैरियर का अगर आप पहले डार्क एडिशन परचेज करते थे उसमें 18 इंच के व्हील मिलते थे, बट यहाँ पे अब आपको और बेटर और बड़े व्हील्स मिल जाते हैं, जिससे रोड की ग्रिपिंग आपको इस गाड़ी पे और बेहतर मिलेगी। ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये व्हील्स मदद करते हैं। चारों डिस्क ब्रेक्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ साइड प्रोफाइल्स पर देखते हैं तो देखिए डार्क एडिशन दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे डार्क का जो है लोगो लगा हुआ है, और इस साइड पर देखिए फ्रंट के डोर पे यहाँ पे हैरियर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंशन कर रखा है। इसके अलावा साइड कैमरेज जो हैं वो यहाँ पे जो आउटसाइड मिरर्स हैं उसके नीचे प्लेस किए हुए हैं। बाकी हैंडल्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी कलर्स पे दिए हुए हैं। ऊपर साइड देख लिए तो रूफ रेल्स भी ब्लैक कलर की है, क्योंकि डार्क एडिशन है तो यहाँ पर जो है ब्लैक थीम का यूज़ किया गया है। इस साइड से आपको कम्प्लीट कार मैं चेक करा देता हूँ। काफ़ी बोल्डर 5-सीटर टाटा की है जो है हैरियर 2023 आई है। चलिए अब बैक साइड पे बात करते हैं तो देखिए फ्रंट में आपने लाइट चेक करी थी, वैसे बैक में भी देखिए पूरी कनेक्टिंग लैंप यहाँ पे दिया हुआ है। तो आजकल वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है गाड़ियों पे SUVs पे जो है कनेक्टिंग टेल लैंप्स का, उसी पैटर्न पे यहाँ पे ये वाले भी आप टेल लैंप्स चेक कर सकते हैं। और इस साइड पे देखिए यहाँ पे इतना खूबसूरत इधर का साइड का लुक दे रहे हैं। बाकी इंडिकेटर देखिए सीक्वेंशियल पैटर्न्स पे यहाँ पे पीछे वाले भी इस समय ब्लिंक कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बैक साइड्स पे, तो सबसे ऊपर से देखिए तो शॉक विन एंटीना आप चेक कर सकते हैं, वाइपर डिफॉगर्स दिया हुआ है। इस साइड पे देखिए तो पीछे के कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस है। अभी जब अंदर बैठेंगे तो आपको इसका व्यू भी चेक कराएंगे, 360 डिग्री व्यू कैसा इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इसका जो पीछे का बम्पर का थोड़ा सा लोअर पार्ट चेक करिए तो यहाँ पे ये जो कट्स दिए हुए हैं ये इस गाड़ी को और ज़्यादा
खूबसूरत बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो हैरियर में कई सारे चेंजेस किए गए हैं डिज़ाइन एंड फीचर्स को लेकर। तो एक्सटीरियर में दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी को चेक करा दिया है, चलिए चलते हैं अंदर बैठते हैं और बाकी चीज़ें दिखाते हैं। तो देखिए न्यू हैरियर, अब देखिए जैसे मैं इसका डोर ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो इसकी सीट्स हैं ये अपने आप नीचे चली गई। ये दे रखी है 6-way पावर एडजस्टमेंट सीट्स हैं जिसमें मेमोरी फंक्शन भी आ गया है, तो आप जिस पोजिशन में बैठे हैं उस हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं, तो बार बार आपको सीट्स को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रंट की सीटें जो हैं वो वेंटिलेटेड सिस्टम के साथ दी हुई हैं, तो यहाँ पे आगे की दोनों सीटें भी ठंडी हो जाती हैं। इतनी नहीं, यहाँ पे जो ड्राइविंग साइड का जो सीट है ये तो पावर एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर आप इसके को ड्राइविंग साइड वाली सीट भी चेक करेंगे तो दोस्तों ये भी जो है इसमें पावर एडजस्टमेंट मिल जाती है, और यहाँ पे देखिए ये बटन दिया हुआ है इसकी सीटों को ठंडा करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसमें अपोस्ट्री की और अंदर इंटीरियर थीम की। तो देखिए ये आप चेक कर रहे हैं डार्क एडिशन, तो ये है पूरा कम्प्लीट डार्क थीम पे दोस्तों इसको बनाया है। एक्सटीरियर पे इंटीरियर्स पे जो है डार्क थीम यूज़ करी गई है, तो ब्लैक कलर पे जिसको आप देखेंगे तो ये गाड़ी ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है। इसके अलावा अगर हम सीटें चेक करेंगे तो देखिए सब लेदराइट मटेरियल पे प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे सीटें आप देख सकते हैं। डोर पैनल्स भी चेक कर लीजिए, ये सब भी आपको लेदर ट्रिम पे मिलेगा। इनसाइड डोर हैंडल्स देखिए खूबसूरत डार्क क्रोम पे दिए हुए हैं, और अगर हम डोर्स में नीचे की तरफ देखेंगे तो चारों डोर्स पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सेफ्टी लाइट भी दे रखी है। बाकी पैनल्स वगैरह आप चेक कर लीजिए जिसमें वाटर होल्डर्स को लगाने का स्पेस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं अब अंदर बैठूंगा और सारे फीचर्स एक एक करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और फीचर दिखा देता हूँ जो कि आया है 2023 हैरियर में। ये देखिए इसमें आपको मिल जाती है पावर टेलगेट, तो जस्ट बटन प्रेस करिए ये टेल गेट ओपन हो जाएगा। और अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो दोस्तों जो है पहले से इसमें बूट स्पेस में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आया है। पहले से इसका बूट स्पेस 20 लीटर बढ़ाया गया है, अब इसमें आपको मिलता है 445 लीटर का बूट स्पेस, आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की जो पीछे की सेटिंग है वो 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे है, तो आप इसको पार्ट वाइज बेंड करके या फिर फुल बेंड करके एक बड़े साइज़ का 815 लीटर का बूट स्पेस बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको मिलता है सबवूफर, ये टॉप मोस्ट वेरिएंट मैं आपको चेक करा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे JBL के 10 स्पीकर का सेट मिलता है जो कि एक यहाँ पे जो है बूट में लगा हुआ है। बाकी स्पेयर व्हील जो है इधर देखिए यहाँ पे तो सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, स्पेयर व्हील आपको मिलता है इसमें नीचे की तरफ इधर प्लेस किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको इधर का एरिया चेक करा दिया है, और टेल गेट बंद करने के लिए जस्ट यहाँ पे इस बटन को प्रेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये देखिए अब बात करते हैं इसके पीछे की सेटिंग्स पे और देखते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए बैक डोर यहाँ पे सब देखिए, ये सब लेदराइट ट्रिम आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो सॉफ्ट प्रीमियम ट्रिम मिलता है इसके डोर्स में। इवन यहाँ पे जब चेक करेंगे तो देखिए कर्टेंस भी आपको इसमें सन कर्टेंस मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से देखिए अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो मैं उस साइड से बैठ के आपको स्पेस चेक कराते हैं। तो आ जाते हैं गाड़ी के इधर की तरफ और देखते हैं पीछे की सेटिंग्स में कितना स्पेस दिया हुआ है। तो टाटा हैरियर 2023 दोस्तों आप चेक कर रहे हैं जो कि टाटा की 5-seater गाड़ी है, और उसमें भी डार्क एडिशन मैं आपको चेक करा रहा हूं, तो कंप्लीट डार्क थीम आप इसमें गाड़ी में अंदर देख सकते हैं। इधर देखिए इसमें आपको एक आर्मरेस्ट है जो कि 2 कप होल्डर के साथ दिया हुआ है। बाकी एज अ सेफ्टी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने के यहाँ पे देखिए एंकरेज यानी जो है लॉक्स प्रोविजंस दिए हुए हैं। बाकी अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो कहीं से कोई भी दोस्तों आपको कमी नहीं मिलेगी। इसकी बैक सीटिंग पे बहुत ही अच्छा स्पेस है, मेरी हाइट है 5'8", और यहाँ पे देखिए तो आप लेग रूम को अच्छे से जज कर पा रहे होंगे। हालांकि जो उसकी सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है जिससे मेरे पैर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फंस रहे हैं, बट स्टिल इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी हाइट मेरे हाइट के आसपास है तो यहीं पे आप आराम से देखिए पैरों को स्ट्रेच करके बैठ पाएंगे। बाकी सेंटर हम की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये ऊँचा दिया हुआ है, और इस साइड पर आपको कुछ चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, मोबाइल को रखने का स्पेस दिया हुआ है। AC वेंट जो हैं वो इसके B पिलर्स पर प्लेस किए गए हैं दोनों साइड पे। ऊपर साइड देख लेते हैं तो सनरूफ है, अभी मैं इसको ओपन करके आपको चेक करा दूंगा। इस साइड्स पे हैंडल्स और इधर देखिए जो है रीडिंग लैंप्स मिलेंगे। तो ये है दोस्तों बैक सेटिंग जिसमें कंफर्टेबल सेटिंग्स है, और अच्छा खासा इसमें पीछे जो है नी रूम लेग रूम मिलता है। चलिए यहाँ पे बैक सेटिंग्स पे जो है देखने के बाद अब चलते हैं ड्राइविंग साइड पे।
और चेक कराते हैं टाटा हैरियर 2023 को। तो देखिए जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको इसकी की चेक करा दें। तो ये देखिए, हालांकि कीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसे टाटा की बाकी गाड़ियां या फिर हैरियर की जैसे पहले कीज़ आती थी उसी तरीके की दोनों स्मार्ट कीज़ हैं आपके सामने। और चलिए मैं ज़रा इसमें इग्निशन को ऑन कर देते हैं और देखते हैं अंदर का एक पूरा लुक। जी देखिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और एम्बियन लाइट जिनके कलर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, इस गाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे फुल डिजिटल क्लस्टर आप देख सकते हैं और म्यूज़िक सिस्टम जो है वो दोस्तों मिलता है पहले से बड़े साइज़ का, काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे सिस्टम कर दिया है। 12.30 इंचेस का दोस्तों ये म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इधर का जो ये पूरा पैनल दोस्तों देख रहे हैं ये सब टच पे दिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट आप कुछ भी चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसको टच करके जो है कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है डुअल जोन एसी मिल जाता है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड के टेम्परेचर्स को अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी कर रहा है इस साइड के टेम्परेचर, और हम इस साइड के टेम्परेचर्स को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कर लें तो जो है इधर का एयर फ्लो का टेम्परेचर और इधर के एयर फ्लो के टेम्परेचर पे वेरिएशन हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया फीचर आपको इस गाड़ी पे मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टीयरिंग भी दिखा दें, जो कि टाटा की जो है नेक्सॉन से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड, यानी ये जो आप टाटा का लोगो देख रहे हैं ये कोई एम्बलम नहीं है, ये एक लाइट दी हुई है। जब हम ऑफ़ करेंगे तो ये देखिए ये बंद हो जाएगा, और उसको जब हम ऑन करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे फीचर्स जो हैं टाटा जो है हैरियर पे आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं और चीज़ों की। तो यहाँ पे देखिए इधर का पैनल ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं एक बार वापस से इग्निशन बंद करके ऑन करूँगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें टेरेन मोड्स दे रखे हैं। और जैसे मैं देखिए मोड को चेंज करूँगा, रफ रोड मोड is activated. Voice alerts के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि जो है कौन सा मोड इज एक्टिवेटेड, मोड आपने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो वायरलेस चार्जर भी दोस्तों इसमें मिल जाएगा। और इधर का जब हम पैनल चेक करेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दे रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और इस साइड पे देखिए तो आगे एक आर्मरेस्ट है, जब हम ओपन करेंगे तो अंदर कूलिंग फीचर भी है, और इस साइड पे एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट, और इधर भी देखिए कुछ चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। चलिए आप एक और पॉइंट बता देता हूँ जो कि है सेफ्टी को लेकर। तो सेफ्टी वाइज इस गाड़ी को 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो कोई भी डाउट नहीं है इस गाड़ी की सेफ्टी को लेकर। 7 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आती है, तो एक एयरबैग यहाँ पर प्लेस्ड है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने है। इसके अलावा कर्टन एयरबैग्स जो हैं वो इसके हर पिलर पर आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट की सीटों में भी एयरबैग्स दिए हुए हैं, और एक एयरबैग इधर नी पे यानी ड्राइवर नी के लिए भी मिल जाता है। तो टोटल 7 एयरबैग्स और साथ में बहुत सारे सेफ्टी फीचर जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और डिस्क ब्रेक वाइपिंग जैसे कई सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ड्राइव मोड्स भी आप अपने ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इधर चेक करा दिए हैं। इस साइड पे देखिए तो क्रूज कंट्रोल्स के आपको बटन्स मिल जाएंगे, हालांकि एक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यानी जो है स्टॉप एंड गो वाला फीचर जो अडास के साथ कनेक्टेड रहता है वो दोस्तों आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसे ऑटोमेटिक पे परचेज करेंगे तो वो फीचर भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है। देखिए मेरे यहाँ पे कैमरे की जब इस पर लाइट पड़ रही है तो उसको ये ऑटोमेटिकली डिम कर दे रहा है। और इस साइड पे चेक कर लेते हैं जिसमें आपको मिलेगा सनरूफ का बटन। तो ये देखिए पैनोरामिक सनरूफ आप इसमें चेक कर सकते हैं, पूरा ओपन हो जाए तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा इस गाड़ी के सनरूफ के साइज़ को। और सनरूफ ओपन होने के बाद इसका जो लुक दिखाई देगा वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फुल साइज़ की सनरूफ आपको मिल जाती है टाटा हैरियर में। तो चलिए इसको जरा वापस क्लोज कर देते हैं। इस साइड पे एक बार आपको बॉक्स भी दिखा दें जो कि देखिए काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे भी आपको दो कंपार्टमेंट्स मिलेंगे इसके
बॉक्स में। तो ये है दोस्तों टाटा हैरियर, जिसमें कई नए फीचर्स जैसे कि म्यूजिक सिस्टम का साइज बड़ा हो गया है, क्लस्टर फुल डिजिटल, इल्यूमिनेटेड लोगो, डुअल जोन एसी और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक्सटीरियर इंटीरियर्स में। इसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन चेक कराते हैं तो ये पर्टिकुलर गाड़ी मैं आपको 6 स्पीड पे दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसमें रिवर्स गियर लगाऊंगा तो 360 डिग्री व्यू दोस्तों इस समय आप देख रहे हो। ये जो तेज बीप आ रही है वो इस वजह से है क्योंकि जो पीछे की वॉल है वो काफ़ी पास है। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर की मार्किंग आ रही है, इट मीन्स अगर गाड़ी को हम थोड़ा सा भी बैक करेंगे तो पीछे की तरफ टच हो जाएगी, इस वजह से ये तेज वार्निंग दे रहा है। और इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 360 डिग्री व्यू जो है ईगल आई व्यू है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और ये 2D और 3D व्यूज देखिए इसमें दे रखा है। तो जब मैंने इसको 3D पे सेलेक्ट किया तो ये चारों तरफ गाड़ी घूम के प्रॉपर तरीके से चारों तरफ का वो दिखा रही है, जिसमें मेरा ड्राइविंग साइड का डोर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं था। अब देखिए अब आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे व्यू समझ में आ रहा होगा। तो इसको जरा मैं वापस रोकने के लिए, बहुत तेज तरीके से यहाँ पे बीप आ रही थी तो इसको वापस जो है न्यूट्रल कर दिया तो ये बंद हो गया, बट अभी भी स्टिल कैमरा ऑन है। और इतने नहीं, जिस साइड पे मैं इंडिकेटर दूंगा दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया हुआ है, तो उस साइड का कैमरा देखिए लेफ्ट वाला कैमरा ऑन हो गया। जब मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो राइट वाला कैमरा ये ऑन कर देता है। तो यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर 360 डिग्री कैमरा भी जो है इस गाड़ी को और भी बेटर, और एक बड़ी गाड़ी है तो उसको पार करना और इजी बना देता है। तो ये है दोस्तों टाटा हैरियर 2023 डार्क एडिशन, मैंने आपको चेक कराया है। बाकी वेरिएंट भी दोस्तों इसके जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें बताइए ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इसके फीचर्स कैसे लगे, और साथ में अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, तो डीलर के डिटेल्स कानपुर के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा और कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेके परचेज भी कर सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, और जाने से पहले दोस्तों फटाफट कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।